बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास वन, यह आप सबके मुताले इस्लाम की कॉपी है। लास्ट टाइम हमने क्लास में बुक वर्क किया था, कुल हुवल्लाहु अहद यानी कि सूरह इखलास की रीडिंग की थी, तर्जुमा किया था, सरगर्मी का काम किया था। आज हम उसकी रीडिंग के बाद उसका कॉपी वर्क करेंगे। आप सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी निकालिए। ये देखें, सफ़ा नंबर 17 पर हम टाइटल बनाएंगे, सबक नंबर 7, कुरान मजीद, हिस्सा जीम, तर्जुमा। पहले हमने हिस्सा बा किया था हिफ्स का, अब हम जीम कर रहे हैं तर्जुमा। सफ़ा नंबर 17 हमारा मुकम्मल हो गया। सफ़ा नंबर 18 पर आएंगे सब बच्चे। सबसे पहले आप सब आज की डेट डालेंगे, CW लिखेंगे, ब्लू कलर से खुलासे की हेडिंग डालेंगे। खुलासे में क्या क्या चीज़ें करेंगे हम, नंबर 1, सूरतुल इखलास का तर्जुमा याद करें। आप सब ने सूरह इखलास का तर्जुमा याद करना है। नंबर 2, मुश्किल अल्फाज। नंबर 3, अल्फाज मायने। नंबर 4, सरगर्मी। नंबर 5, जांच यानी कि टेस्ट। बच्चों, सफ़ा नंबर 18 भी हमारा मुकम्मल हो गया, अब आप सब सफ़ा नंबर 19 निकालें। ये देखिए, सफ़ा नंबर 19 पर सबसे पहले आज की डेट डालें, CW लिखिए, ब्लू कलर से मुश्किल अल्फाज की हेडिंग डालिए। मुश्किल अल्फाज में क्या क्या है, नंबर 1, कह दीजिए, बिल्कुल सफाई से लिखना है आपने, कह दीजिए। नंबर 2, बेटा। नंबर 3, बेनियाज। नंबर 4, बराबरी। नंबर 5, बाप। ये देखें, सफ़ा नंबर 20 पर आ जाएं अब आप सब। सबसे पहले आज की डेट डालेंगे, CW लिखेंगे, हमने कुल हुवल्लाहु अहद के अल्फाज मायने लिखने हैं। अल्फाज मायने, सेंटर में लाइन खींचेंगे, ब्लू कलर से हेडिंग डालेंगे। कुल, कुल का क्या मतलब है, कह दीजिए। अस्कामादू, बेनियाज। वाह, और हुआ, वो, लम, नहीं। कुफुवन, बराबर। अहदुन, एक। लहू, उसकी। सफ़ा नंबर 20 मुकम्मल हो गया, सफ़ा नंबर 21 खोलेंगे। ओके बच्चों, अब ये सफ़ा नंबर 21 देखेंगे सब बच्चे। सबसे पहले आज की डेट डालें, CW लिखिए, सरगर्मी की हेडिंग डालिए। सफ़ा नंबर 23-24 किताब से मुकम्मल करें। ये सब मैंने आपको जब आप लोग क्लास में आए थे तो क्लास में काम करवा दिया था, आपसे भी ये पेज बना लेंगे। हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हो गया है, अब आपने इसके अल्फाज मायने और तर्जुमा याद करना है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम आगे का वर्क याद करेंगे। जज़ाकअल्लाह।